डियर स्टूडेंट वी हैव टू डिस्कस एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर यंग लर्नर्स हमने इसी के हवाले से मुख्तलिफ ममालिक का मवाना किया और उसके अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और अर्ली चाइल्ड एजुकेशन इनकी जो इंटीग्रेशन थी उसके ऊपर भी बात की अब हम जो यंग लर्नर है हम अब उसको एड्रेस करना चाहते हैं हमने इसी के अंदर जो टारगेट्स बनाए वो टारगेट्स हमारे पास कितने अचीव हुए उन टारगेट्स के अंदर हमने किन चीजों को फोकस किया और जो हमारे पास यंग लर्नर आए हैं उसके अंदर जो हम एक्सपेक्टेड आउटपुट देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं पहले नंबर पे तो जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो है नॉलेज के हवाले से कि हमने उसका जो नॉलेज है उसको अलाइन किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारा जो यंग लर्नर है वो जो कुछ सीख रहा है और सीखने के बाद वो जो एक कंसेप्ट हमने दिया था सस्टेनेबल सोसाइटी का क्या उसके मुताबिक उसकी डेवलपमेंट हुई है या नहीं हुई क्या लर्नर्स ने उस नॉलेज को जो सोसाइटी में जा के उसने इम्प्लीमेंट करना है क्या यहाँ पे अप्रोप्रिएट उसने उसको सीखा है या नहीं सीखा फिर जो नई सोसाइटी है उसकी जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं वो डिफरेंट हैं टेक्नोलॉजी की चेंज की वजह से आपने देखा कि जॉब्स की जो नेचर है वो चेंज हो गई है और उस जॉब की नेचर चेंज होने की वजह से हमारी स्किल्स जो हैं वो भी चेंज हो गई हैं यू समझ लें कि आज से 20-25 साल पहले की हम बात करें तो अगर हम टीचिंग प्रोफेशन की बात करते हैं तो 25 साल पहले जो टीचर्स की स्किल्स रिक्वायर्ड थी वो और थी आज जो टीचर्स को स्किल्स रिक्वायर्ड हैं वो और हैं और उसकी मेन वजह क्या है वो टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज है इस टेक्नोलॉजिकल चेंज की वजह से जो रिवाइज स्किल्ड क्या वो रिवाइज स्किल्स यंग लर्नर में इनकल्केट हो गई हैं या नहीं हुई इसको देखना है हमारा वैल्यू सिस्टम्स हमारे स्टैंडर्ड ऑफ गुड और बैड्स वो भी चेंज हो गए हैं हमने गुफ्तु -गुफ्त की थी कि अब एक बच्चा जो है वो एक कंट्री का मेंबर होने के साथ साथ एक ग्लोबल कम्युनिटी का भी मेंबर है और उसकी सोच जो है वो ग्लोबल कम्युनिटी के मेंबर की हैसियत से हमने डेवलप करनी है उसके हवाले से उसका जो वैल्यू सिस्टम होगा और उसका जो एटीट्यूड होगा और उसका जो बिहेवियर होगा यानी उसकी फीलिंग्स उसका एक्शन वो भी एक ग्लोबल पैराडाइम के अंदर हमने डेवलप करना है हमारा देखने का मकसद ये है कि क्या हमारा जो यंग लर्नर है क्या वो इन तमाम पैरामीटर्स के ऊपर जिनका हमने फैसला किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर जो हमने यंग लर्नर बनाने के लिए हमने इकदाम किए थे हमने उस इकदाम को किस हद तक अचीव किया और फिर जो क्वालिटी लाइफ है उस क्वालिटी ऑफ लाइफ को विदाउट कंप्रोमाइजिंग द प्लेनेट देखिए हमने जब इन्वायरमेंटल की बात की थी तो हमने कहा था कि हम तो ये प्लानट्स जो है इसके अंदर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं हमने कहा जी कि हमने प्लैनट्स को जो है ना उसकी जो ओरिजिनल लाइफ है उसको हम डिस्टर्ब कर रहे हैं और उसको भी हमने मेंटेन करना है उसमें हम किस हद तक कामयाब हुए और उसके बाद जो हमारा एक और बड़ा कंसर्न था जो इन्वायरमेंटल कंसर्न था उसको हमने किस हद तक अचीव किया फिर हमने पावर्टी एलिवेशन हमने शो किया हमने एक थीम दिया कि जी ना किसी शख्स को भूखा नहीं रहना चाहिए क्या हमारे जो यंग लर्नर हैं वो इसको सीखने में इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हुए या नहीं हुए हमने सिटीजनशिप का पीस का एथिक्स का हमने एक आइडिया दिया एक रिस्पांसिबिलिटी एक लर्नर के ऊपर हमने डाली लोकल लेवल पर भी और ग्लोबल कंटेस्ट के अंदर भी तो अब हमारा जो यंग लर्नर आ गया यानी अब यूं समझ लें कि दस पंद्रह बीस साल गुजरने के बाद अब ये इवेल्युशन करने की ज़रूरत है कि हम देख सकते हैं कि हमने जो टारगेट अचीव किए हैं उन टारगेट्स के अंदर हमने जो गोल्स बनाए थे हम उसमें किस हद तक अलाइन हुए हैं चाहे हम जस्टिस की बात करें ह्यूमन राइट्स की बात करें जेंडर इक्वलिटी की बात करें या कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें इन तमाम बातों में जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एक हिस्सा थे और जिनको हमने इसी इसे इनकलकेट करना शुरू किया था तो यंग लर्नर बनने के बाद तक हम उसको कहाँ तक हासिल करने में कामयाब हुए हैं